छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर आदिवासी क्षेत्र हैं यहाँ नक्सलियों की सरकार और हुकूमत कई सालों से चल रही है नक्सलियों ने तीन दशक पहले बस्तर में प्रवेश किया था और जल जंगल जमीन आदिवासियों के हित की बात की थी अब नक्सली इन आदिवासियों को किस प्रकार से मौत के घाट उतार रहे हैं एक ग्रामीण के हाथ पैर बंधे हुए हैं और वह नक्सलियों की बात का जवाब दे रहा है ग्रामीणों से नक्सली पूछ रहे हैं इसे छोड़ा जाए या मार दे ग्रामीण यदि कहते हैं कि एक बार मौका दे दिया जाए तो नक्सली समझाइश देकर छोड़ भी देते हैं यदि ग्रामीण कहते हैं इसने गद्दारी की है तो इसे मौत के घाट उतार दें। मौत ऐसी मिलती है कि देखने वालों की रूह कांप जाए बस्तर में आज भी नक्सलियों की हुकूमत सरकार चल रही है विकास विश्वास सुरक्षा को लेकर सरकार बस्तर पुलिस चल रही है नकली बैकफुट पर भी है समर्पित नक्सली रमेश ने पूरी जन अदालत की कहानी बताई नक्सली ग्राम राज पर निर्भर रहते हैं और तय होता है कि आदमी अपराध में कितना शामिल था और ग्रामीण से पूछा जाता है इसे छोड़ दें या मार दें नक्सलियों की जंगल में एक जेल भी होती है जेल में ही सजा दी जाती है परिवार वालों से भी मिलने नहीं दिया जाता अदालत में ग्रामीणों के निर्णय से ही सजा दी जाती है दो प्रकार के अपराध होते हैं अनजाने में किया गया अपराध और जानबूझकर किया गया अपराध जानबूझकर किए गए अपराध पर मौत निश्चित होती है बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर के नक्सल इलाकों में 20 सालों में सत्रह सौ से ज्यादा ग्रामीणों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है मुखबिरी का आरोप लगाते हुए अब बस्तर में नक्सलवाद गैर संगठन बनकर रह गया है। ग्रामीणों का नक्सलियों से विश्वास पूरी तरह टूट चुका है इन इलाकों से नक्सलवाद बैकफुट पर चली गई है यह नक्सली का जनाला देव है कि पहले ग्राम राज्य कमेटी के ऊपर निर्भर रहता है वो ग्राम राज्य का मतलब निर्णय करती है कि पहले उन लोग निर्णय करते कि ये आदमी मैंने अपराधी में कितना शामिल था कितना नहीं था तो लोगों को ये पूछा जाता है कि भाई इसको अपन छोड़ सकते हैं कि उसको क्या शिक्षा दे सकते हैं आजकल उनका एक जेल भी है मैंने जेल आ, आलाद का मतलब ये होता है कि जेल रहता है जेल का उसके बाद ही उनको सजा दिया जाता है को जेल भी वैसी रहता है कि वो ग्रामीण में रहता है ग्रामीण का अंदर रहता है कि उसको कहीं उस गांव से कहीं बाहर जाने के लिए उसको अनुमति नहीं दिया जाता है वो बाहर से व्यक्ति से उसको मुलाकात होने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता है परिवार से बिल्कुल उसको संबंध नहीं रहती है कि इस टाइप का रहती है अच्छा रमेश बताएं कि हमने सुना है कि पहले डंडे से मारते फिर हत्या करते गला काट के तो ऐसी नहीं है ऐसी मारने का तो सिस्टम नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि ग्राम में ना वो ग्राम मिलिशिया बोल के एक दलम रहती है उन लोग क्या करते हैं उन लोग वापस ही रंजिश में कभी कभी पार्टी को बिना पूछे भी ऐसी करते हैं वो उसको हम पार्टी विरुद्ध करती है लेकिन अभी ऐसी नहीं है कि वो इसीलिए जना अलग लगा जाता है कि जो भी निर्णय उन लोग जना अलग करेगा कह के लिए हम आगे जाके क्रांति को आगे बढ़ाना है उसको संगठन में शामिल करना है कि ऐसी हरकत यदि करेंगे हमारा संगठन में कौन शामिल होगा तो ऐसी हरकत यदि देखेंगे वो तो कोई सा, वो पार्टी में शामिल होगा ना हमको सहयोग देंगे ना कुछ नहीं दे पाएंगे इसीलिए क्या है जना के ऊपर मेन उसका पर भरोसा रहती है कि उन लोग जो भी निर्णय तो उसके लिए भी देखो गवर्नमेंट टाइप का छः महीना और एक साल दो साल के इस टाइप के

इनमें से अधिकतम प्रकरण में पुलिस मुखबिर का आरोप लगाया जाते हैं या विकास कार्य के जो साथ देते उन व्यक्तियों को उन ग्रामीणों को महोदय द्वारा टारगेट करके उनका हत्या की जाती है वैसा भी सी पी महोदय संगठन एक कानूनी आतंकवादी संगठन है इनको किसी को ऊपर आरोप लगाकर उनको सजा देने के कि किसी प्रकार का को कोई अधिकार नहीं है वर्तमान में क्षेत्र की जनता द्वारा माओवादी संगठन की इस प्रकार के गैर गैरमानवीय एवं विकास विरोधी हरकत को देख लिए जान लिये, लिया पहचान लिया इसलिए इनके माओवादी संगठन के किसी प्रकार का जनता के बीच में कोई समर्थन नहीं मिल रहा है साथ साथ सुरक्षा बल द्वारा इन इलाका में मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अभी कई इलाके में हमारा जो सुरक्षा कैंप स्थापित हो गई जिसके कारण से इलाका में एक सुरक्षा के वातावरण निर्मित हो रहा है और आने वाले समय में भी सुरक्षा बल का प्रयास ये रहेगा इन इलाके में सीपी माओवादी संगठन के आतंक को कम करते हुए उनके गतिविधियों को समाप्त करते हुए क्षेत्र की जनता को भारत के संविधान के तहत भारत के जो नियम कानून के तहत अपने एक सुंदर जीवन जीने के लिए एक वातावरण निर्मित करके कर कर देने का हमारा एक संकल्प है उसी दिशा में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं जगदलपुर बस्तर से विजय पचौरी की रिपोर्ट